सोनीपत के गांव नाहरी में पूर्व सरपंच की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व सरपंच सुनील दहिया मंगलवार रात को अपनी बाइक पर सवार होकर गांव खेड़ी मनाजात की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हमलावरों ने उनकी बाइक को रुकवाकर उनके सिर व चेहरे पर 3 गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने उनके शव को सड़क पर पड़ा देखकर मामले की सूचना पुलिस व परिजनों को दी। सूचना के बाद पहुंची कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के साथ ही घटना का पता लगते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही कुंडली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रशिकांत ने भी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि पूर्व सरपंच सुनील दहिया को 3 गोली मारी गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नागरिक अस्पताल में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सरपंच बाइक पर खेड़ी मनाजात की तरफ जा रहे थे। अंदेशा है कि उन्हें किसी ने बुलाया था। उनके हाथ में बाइक की चाबी मिली है, जिससे अंदेशा है कि उनकी बाइक को रुकवा लिया था, जिसके चलते ही उन्होंने चाबी को निकाल लिया होगा। हालांकि लोगों ने बताया कि पुलिस की जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। गांव नाहरी के पूर्व सरपंच सुनील के एक बेटा व एक बेटी है। दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी आयु 15 से 16 साल के आसपास बताई गई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने फिलहाल परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है